खबर सुन के मैं थोड़ा जा ना थोड़ा कि काफ़ी ज़्यादा मैंने थोड़ा जहा कुछ हो रहा है, तुम सुनो ध्यान ना सुनो ठीक है जी। तुम पी टी लैके कैनेडा का वीज़ा तुके वाला कम है, सो मैं उस तुक्या बिलीव नहीं करता है। हथ क्यों बढ़ाने होंने यार, तुम क्यों बढ़ाने होंने हथ, फिर पिछे पिछे फिर दो भी साढ़ा ए हो गया वो हो गया। सो प्लीज़ मेरी गलों का गुस्सा ना करो, मैं गल थोड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड गल सही कर दा। बापू के सिर पर तो आप ऐशा कर लियो कर लिया, सो इतने बापू का पैसा लाते हुए भी प्लीज़ सोच लिया करो, मैंने हूँ अगे कहने की लड़ नहीं, तुम समझ के तुम समझदार हो, यह चीज़ तो बचना, तुम मैं दुख पहुँचता होर कुछ नहीं, ता ही मैं इन्ना कुछ बोल जाता हूँ ना जो देखना, जो वीडियो देख रहे हैं व्यू एजेंट ने या जुआरी ने जिड़े भी कोई देख रहे हो, बच्चों का भविख सब तो पहला तो यार भी पूरी दुनिया छड़ के बच्चा मेरे को कुछ उम्मीद लैके आया, वाहगुरु ने मेरी सेवा लाई है, सेवा तो नभा लो, इतने एजेंट की इज्जत बनती है, जे पैसा कमाना इदा कमाओ, इज्जत तो कमा लो, एक बार इज्जत तो कमा लो, मैं तो फाइल कितों लवाना, वो एक गल कहता भी जितों मर्जी लवा ली इतों ना लो भाई, जिते मैं फस गया यार मैं ना नहीं लगा उन्हों का ठीक है। सो मैं कहना एक एजेंट कम्यूनिटी में भी बदनाम किया हो इन्होंने, थोड़े घर घर की गल करके जवाक आपके घर जोगा नहीं रहा, आइल्स नहीं चलो पीटी कर लो, पीटी नहीं होगी कल कोई होर एग्जाम आजूगा, एक ही मैं कंसर्न होंगे बच्चों को लैके भी इन छेती तुम ढेर ही ना ढा जाओ। सो हैलो एवरीवन, दिस इज अजयपाल सिंह फ्रॉम वेस्ट बंगाल एंड इमीग्रेशन पात्रा। सो आज की वीडियो आप डिस्कस करेंगे जी कुछ बच्चों के कंसर्न ने, सो कई जवाब तो मैं वीडियोज़ के नीचे एक कमेंट के मैं दे देना हूँ, बट कुछ थोड़ा जहा उन्हों का कंसर्न थोड़ा ज़्यादा होंगे, सो तो मैं सोचता भी चलो उन्होंने एक वीडियो बनाई जाए क्योंकि वह कंसर्न कले कि नहीं वो मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स का होंगे। सो दो तीन कमेंट मैं डिस्कस करूँगा जी, दो तीन कंसर्न, सो एक मैं क्रूशियल केस भी थोड़े नाल डिस्कस करूँगा जी, सो तुसी खुद उन्हों देखियो समझियो एनालाइज़ करो फिर कमेंट च जरूर दस दियो भी की होना चाहिए उसका ठीक है। सो सब तो पहला आपां क्वेश्चन लेने जी करणवीर का, सो करणवीर का कंसर्न है जी रिफ्यूजल वाले की करन सर, जो मैं वीडियो अपलोड की थी डेफरमेंट मेल्स की अगर कॉलेज वालों डेफर आता तो मई या सितंबर अप्लाई मतलब कर लो, जो ऑप्शन मैं दे चुके हैं पहले ही ठीक है जी। सो रिफ्यूजल वाले की करन सर, 13 मार्च में रिफ्यूजल आई है और कोई कॉलेज अवेलेबल नहीं, सितंबर इनटेक, सो व्हाट शुड आई डू। हाँ जी कॉलेज कुछ है सितंबर च अवेलेबल है बट एक दो दिन तक मतलब वो भी फुल हो जाएंगे, सो उस तो बाद चलो उन्होंने थोड़ी जी मोटीवेशन की देनी पे क्योंकि मैंने ये होंगे भी मेरा एक ही मैं कंसर्न होंगे बच्चों को लैके भी इन छेती तुम ढेर ही ना ढा जाओ, कोई गल नहीं रिफ्यूजल है समझांगे नजिठांगे, उन्होंने थोड़े जिंदगी दे कोई रोक तो नहीं लगा दी, उन्होंने सिर्फ थोड़े सामने एक हर्डल दिता है भी आ प्रॉब्लम है इनू तुम नजिठो, आप नजिठांगे तो आप कामयाब हो जाएंगे। सो पहला टेरी नटा जाए करो, सो वो चीज़ मैं ना अच्छी नहीं लगती कि जदों बच्चे मतलब हिम्मत आ जाते हैं, वैसे भी उदा भी हिम्मत हार जे जान बड़ी छेती, सो थोड़ा जहा मैं उस तो दिक्कत है, सो मैं चाहना कि कोई भी प्रॉब्लम फेस करन तो ना झिझके, मैं पता है सो हरेक की लाइफ अड्डा है ठीक है, सो हरेक किसी दो रिफ्यूजल किसी तीन रिफ्यूजल किसी का वीज़ा पेंडिंग चाह, बट जो तुम्हें कामयाबी मिलती है तो तुम उदों ये चीज़ सोचते हो भी यार मैं अपना पहला तो टाइम इन्ना खराब कर लिया है ना, मैं बीमारी भी लवा लेंगे ने कई है ना कि जिमें कोई ब्लड प्रैशर हो जाता बच्चों, सो टेंशन होने लगता डिप्रैशन होने लगता ओवर थिंकिंग होने लग जाती है, सो वो चीज़ थोड़ा जहा रिलैक्स रहो, अपने आप को थोड़ा जहा पॉजिटिव रखो, वाहगुरु के भरोसा रखो, सब तो पहली तो यह चीज़ है जी। सो इन्होंने कहा इन्हें प्रोफाइल सुन लो जी करणवीर सिंह की, 2020 पास आउट BSc नॉन मेडिकल 70% बहुत अच्छी परसेंटेज है, सो प्लस टू जी 73% टॉकिंग अबाउट हिज आल्स स्कोर 6.5 6.567 6.5 6.7 वेरी नाइस स्कोर। सो गए थे कोर्स प्रोजेक्ट लई कोर्स है इन्हां दा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन अल्फा कॉलेज, अल्फा कॉलेज SDS कैटेगरी है ठीक है, इन्होंने लिखता सो अल्फा कॉलेज जा तो डेफर दे रहे हैं जा रिफ्यूजल दे रहे हैं, वीज़ा तो काफ़ी ज़्यादा घट रहे हैं इधर, सो अगर किसी वीज़ा मिल रहा होएगा यदा अल्फा का सो काफ़ी यदा सक्सैस रेट घट रहा है अज्ज दे टाइम, सो मैं कमेंट जरूर दस्यो जिन्हें जिन्होंने भी वीज़ा मिलया होया इन्हों का अल्फा का आ हुणे आ 5-7 दिनों के विच। सो करणवीर जी परसेंटेज थोड़ी अच्छी है, कोर्स तुसी ठीक लिया सब कुछ, सो कॉलेज भी तुसी ठीक लिया, कोई गल नहीं सक्सैस रेट चलो जरूरी नहीं है भी वो सारे लिए हो ठीक है, सो प्रोफाइल टू प्रोफाइल वेरी करता है, सो तुसी तुहाडे लई हुण एक सिचुएशन है जी, हुण तुहानूं रिफ्यूजल जिहड़ी हैगी पहला तां तुसी मैनूं रिफ्यूजल सेंड करो अपनी रिफ्यूजल, तुसी लिखता है कि उहदा है कि नॉट लीव कैनेडा, किसी होर ने पूछा सीगा बच्चे ने तो तुसी दसदा कि नॉट लीव कैनेडा, सो नॉट लीव कैनेडा आ गया, सो ये सफिशेंट नहीं हैगा ठीक है जी। सो आप केप्स नोट अपलाई करो करो इन्हों के, तुसी इन्हों के केप्स नोट अपलाई करो, केप्स नोट जो अपलाई हो गए जो केप्स नोट आऊगा
ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਏਜੰਟ ਦੇ ਥਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਉਸਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਲੈਟਰ ਆਫ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਕੇਸ ਦੁਬਾਰਾ ਲਗਾ ਦਿਓ ਅਗਰ ਕੋਈ ਫਿਰ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਆਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੇਪਸਟੋਡ ਮੈਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਨਾਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਸਰਨ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਰ ਮੈਂ ਜੈਨ ਇਨਟੇਕ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਫੈਬ 'ਚ ਵੀਜ਼ਾ ਆਇਆ ਮੈਂ ਮੇ ਲਈ ਆਲਰੇਡੀ ਡੈਫਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਫਾ ਦਾ ਅਲਫਾ ਅਲਫਾ ਹੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਵਾਕਈ ਅਲਫਾ ਅਲਫਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆਹ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਫਾ ਦਾ ਹੁਣ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਨੋਰਮਲ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਰਾਜੇ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਫਾ ਦਾ ਇਨਟੇਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਬੋਲ ਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਇਨਟੇਕ 'ਚ ਕੋਰਸ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਐਲ ਓ ਏ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਊ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਐਲ ਓ ਏ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਕੇ ਵੈਫਾਰਮ ਰੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਪਟੰਬਰ ਇਨਟੇਕ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਟ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੰਗਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਪਾਰ ਚੁੱਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਸੋ ਕੰਗਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨ ਟੂ ਯੂ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪਾਰਟੀ ਕਰੋ ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਨਟੇਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਬਟ ਔਨਲਾਈਨ ਸਟੱਡੀ ਨਾ ਕਰਿਓ ਔਨਲਾਈਨ ਸਟੱਡੀ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਰੋ ਅਗਰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਔਨਲਾਈਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਲਿਸੀ ਹੈ ਰੀਫੰਡ ਪੋਲਿਸੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਕਾਲਜ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਲਜ ਨਾਲ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੋਰ ਕੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ 'ਚ ਹੋਰ ਕੋਰਸ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਸੈਪਟੰਬਰ ਲਈ ਵੇਟ ਕਰੋ ਅਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਓ ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕ੍ਰੂਸ਼ਲ ਕੇਸ ਹੈ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ 4 ਵਜੇ ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਸੋ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਗਾ ਸੋ ਇਹ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜੀ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਰੀਜ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਪਲੱਸ ਟੂ 2020 2020 'ਚ ਨੇ ਪਲੱਸ ਟੂ ਕੀਤੀ 78% ਮਾਰਕਸ ਕਮਰਸ 'ਚੋਂ 78% 2020 ਪਲੱਸ ਟੂ ਕਮਰਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਠੀਕ ਲੱਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਔਰ ਓਨਟਾਰੀਓ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਨਰਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੋਰਸ ਠੀਕ ਹੈ 78% ਨੇ ਕਮਰਸ 'ਚ ਸੋ ਉਸਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜਨਰਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੋਰਸ ਲੈ ਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਭ ਕੁਛ ਠੀਕ ਹੈ ਦਿੱਕਤ ਕਿੱਥੇ ਆਈ ਵਟ ਅਬਾਊਟ ਆਇਲਸ ਐਂਡ ਪੀ ਟੀ ਸੋ ਆਇਲਸ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕੋਰ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੀ ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਆਇਲਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੀ ਟੀ ਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਚਲੋ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਦੋਂ ਪੀ ਟੀ ਈ ਦਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਪੀ ਟੀ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 80-80 78% ਮਾਰਕਸ ਆਏ ਨੇ ਕਮਰਸ 'ਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅੱਗੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ ਸੋ ਪੀ ਟੀ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਪਏ ਹੋ ਪੀ ਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਆਇਲਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਚਲੋ ਪੀ ਟੀ ਕਰ ਲਓ ਆਇਲਸ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਪੀ ਟੀ ਕਰ ਲਓ ਪੀ ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆ ਜਾਊਗਾ ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਨ ਕੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਆਇਲਸ ਹੈ ਜੀ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਆਇਲਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵਾਲਾ ਸੋ ਹਾਊ ਕੈਨ ਹੀ ਮੈਨੇਜ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਜੋ ਜੋ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਬੋਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੋ ਪੀ ਟੀ ਈ ਛੱਡੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਚੱਲ ਜਾਓ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਸ਼ ਹੈ ਬਟ ਪੀ ਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਤੁੱਕੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸੋ ਮੈਂ ਉਸ ਤੁੱਕਿਆਂ 'ਤੇ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਆਇਲਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਓਨਲੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਫੋਰ ਯੂ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਬੈਕ ਟੂ ਦਿਸ ਕਰੂਸ਼ਲ ਐਂਡ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੇਸ ਰਾਈਟ ਪੀ ਟੀ ਸਕੋਰ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟ ਸੀਗਾ ਜੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਤਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀ ਟੀ ਦਾ ਸਕੋਰ ਅੱਛਾ ਲੈ ਲਿਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਕੋਰ ਲੈ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਫਿਰ ਦਿੱਕਤ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਜੀ ਇਹ ਪੀ ਟੀ ਈ ਦਾ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ ਅਪਡੇਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਏਜੰਟ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੀ ਟੀ ਈ ਦਾ ਸਕੋਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਮੇਰਾ ਅੱਛਾ ਸਕੋਰ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਛਾ ਸਕੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਵਧੀਆ ਸਕੋਰ ਆ ਗਿਆ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਘੱਟ ਵਾਲਾ ਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਿਓਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਵਿਦਨ ਅ ਮੰਥ ਜਾਂ 2 ਮੰਥ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਿਓਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਐਮਬੈਸੀ ਨੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਦੋਂ ਦੇਣਾ ਉੱਥੇ ਦਿੱਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰੇ ਪੀ ਟੀ ਦਾ ਲਾਉਂਦੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀ ਟੀ ਦਾ ਅਪਡੇਟ ਕਿਹਾ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਕਰੋ ਏਜੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ
ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਵਾਕ ਆਪਦੇ ਘਰ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ? ਨਾਮ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਏਜੰਟ ਹੈ, ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਏਜੰਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਏਜੰਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ। ਏਜੰਟ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਵਾਵੇ, ਵੀਜ਼ਾ ਆਵੇ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਕਲੀਅਰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਏਜੰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਗੋਂ 100 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਕੇਸ ਲਵਾਓ, ਵੀ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਹੈ ਏਜੰਟ, ਮੇਰਾ ਕਜ਼ਨ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਅੰਕਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਏਜੰਟ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਇੱਦਾਂ ਕਮਾਓ, ਇੱਜ਼ਤ ਤਾਂ ਕਮਾ ਲਓ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤਾਂ ਕਮਾ ਲਓ, ਇੱਜ਼ਤ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਮਾਈਗੀ ਪੈਸਾ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜੂਗਾ। ਜੇ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਿਆ ਵੀ 25-30 ਹਜ਼ਾਰ ਵੱਢ ਲਓ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕਿਹਨੇ ਆਉਣਾ? ਫਿਰ ਕਲਾਇੰਟ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਨਾਲਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਫਾਈਲ ਕਿੱਥੋਂ ਲਵਾਵਾਂ, ਉਹ ਇੱਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਵਾ ਲਈ, ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਲਓ ਬਾਈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਫਸ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਯਾਰ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾ ਤਾਂ, PGWP ਕੈਟੇਗਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਕੋਰਸ 'ਚ ਇੰਨੀ ਫੀਸ ਫੀਸ ਭਰਤੀ ਜਾਂ ਭਰਵਾਤੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, GIC 'ਚ ਵੀ ਮੈਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਕਰਿਆ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਧੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਏਜੰਟ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਗੱਲ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਲਾਇੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ, 1% ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਠੰਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਯਾਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਕੇ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਕੁਛ ਉਮੀਦ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਨਿਭਾ ਲਓ। ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੇ ਪੈਸਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ। ਹਾਂਜੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਰਹੇ ਵੀਡੀਓ ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ PT ਦਾ ਸਕੋਰ ਉਸ ਏਜੰਟ ਨੇ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਏਜੰਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਜੁਆਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੱਟੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ 'ਤੇ। ਆਦਤ ਪੈਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਏਜੰਟ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਏਜੰਟ ਨੇ ਜਾਂ ਜੁਆਰੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਡਿਆਈ, ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੈ, 4th-5th ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ, ਸਮਝ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਬੋਲ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨਾ ਜਸਟ ਫੋਰ ਦਾ ਸੇਕ ਆਫ ਮਨੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚ, ਪਰਸੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ, ਜਿਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਰਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਦਾ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਏਜੰਟ ਤੋਂ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੇਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਹੈ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਏਜੰਟ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਏਜੰਟ ਨੇ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਏਜੰਟ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸੋਰੀ, ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋਰੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਰਡ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਰਾਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸੋਰੀ ਬੋਲ ਦਿਉ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ, ਨੋਨ ਐਸ ਡਿਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ਸੀਗੀ, PT ਦਾ ਕੋਈ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ PT ਦਾ ਅਪਡੇਟ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਏਜੰਟ ਨੇ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜੁਆਰੀ ਨੇ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਏਜੰਟ ਕਹੂੰਗਾ, ਜੁਆਰੀ ਵਰਡ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ ਵਾਰੀ। ਸੋ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿਣ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋਨ SDS ਸੀਗੀ, ਫੰਡ ਕਹਿੰਦੇ 4-5% ਨੂੰ ਫੰਡ ਕਰਾਇਆ ਮੇਰੇ, ਅਤੇ 2.5 ਲੱਖ ਮੇਰਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 2.5 ਲੱਖ ਕਿੱਦਾਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 1.5-2 ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਫੀਸ 'ਚੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਆਇਆ ਫੀਸ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਭਰੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਏਜੰਟ ਨੇ ਭਰਵਾਈ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗਹਿਣੇ ਕਰਕੇ, ਗਿਰਵੀ ਕਰਕੇ ਰੁਪਈਏ ਰੁਪਈਆ ਜੋੜਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ ਬਾਪ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣ ਸਕੇ। ਉਹ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹ 1 ਪੈਸਾ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜੇ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣੇ ਦੇ ਦਿਉ, ਉਹ ਚੁੱਭਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਭਣਗੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਓਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਪੂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਐਸ਼ਾਂ ਕਰ ਲਿਓ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਬਾਪੂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਯਾਰ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਮਾਊਂਗਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਊਂਗਾ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਐਸ਼ ਕਰਾਊਂਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ, ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਸੋਚ ਕੇ ਸਟੈਪ ਚੁੱਕੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ, 2.5 ਲੱਖ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ
मैं फिर एजेंट ने प्रोसैसिंग फीस तो नहीं ली होनी, मैं अगे बोलन लगा कहते सर ली है एजेंट ने प्रोसैसिंग फीस ली है। मैं क्यों, मैं क्या तो आफ्टर वीज़ा सी, आफ्टर वीज़ा ही होंगी है। कहते नहीं जी उन्होंने कहा पहला तो कि आफ्टर वीज़ा मैं प्रोसैसिंग फीस चार्ज करूँगा, तो उन्होंने कहते जी ले ली 25-30 हज़ार रुपये कहते साढ़े तो वह ले लिया। गल 25-30 दी नहीं हैगी, गल थोड़ी है तुसी क्यों दिते उन्होंने पैसे। मैं लगता फीस भी वो थ्रू आई होनी, एजेंट के थ्रू उन्हें कट कटा के दिते होने पैसे, मतलब हाथे बढ़ा के बैठ के। हाथ क्यों बढ़ाने होंने हो यार, तुसी क्यों बढ़ाने होंने हाथ, फिर पिछे पिछे फिर दो भी साडा ए होगा वो हो गया। पहला यह काम इना करो, सो प्लीज़ मेरी गलों का गुस्सा ना करो, मैं गल थोड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड गल सही करदा, ठीक है, थोड़े फायदे की गल करदा मैं। उस तो बाद प्रोसैसिंग फीस ली, क्योंकि एजेंट को यह लग्या भी हाँ भी मैं तो प्रोसैस फीस करी है, फिर की हो गया वीज़ा नहीं लग्या, भी ये रिफ्यूजल भी वीज़ा तो बढ़ गया है, उन्हें तो प्रोसैसिंग फीस ली। मैंने नाम दसया उस बंद का, मैंने दसता भी चलो एनीवेज मैं नाम नहीं डिस्कलोज करूँगा। अगर तुम मैं कमेंट से पुछोगे या कि भी पुछोगे भी सर असी उधर ला रहे हैं केस ला रहे हैं, तो इन शॉर्ट मैं हिंट दे सकता भी उत्थे ना जाओ, अप्लाई कितों होर कर लो, मेरे को करो, मैं यही कह रहा जितों मर्जी करो बट सतर्क होके करो, ठीक है, थोड़ा मेहनत का पैसा है। तो फिर मैं क्या इन्ना कुछ हो गया, मैं की गल तुम गल नहीं करी। कलाइंट ने पता की कहा, कलाइंट ने हूँ तो बच्चा ही समझ लिया, मैं उन्होंने कहता जी मेरे फादर ठंडे सुभाव ने नरम सुभा देने, ठंडे सुभाव ने नरम सुभा देने, तो तुम कहते सर मैं भी उदा दी हाँ। मैं पुत मैं तेरी गल सुन समझ रहा, मैं आप पंजाबी हाँ, जो कोई प्यार करूगा सत्कार करूगा जान तक दे देंगे। मैं क्या अपने नाल मैं क्या ठगी हुई है, कहते हाँ जी सर समझेगा। मैं क्या बेटा नहीं समझे, जे समझते गल च गुठा देखे अगले तो पैसे कटाते भी आ चक आ साढ़े पैसे धर उरे। कॉलेज जो फीस कटदा वो गल सही सी, बट कॉलेज भी जी फीस कट के भेजी है ना, वो भी थोड़े एजेंट का हक बनता भरपाई कर गल मन दे, तो कमेंट च हाँ या ना तो जवाब दे दो, मैं पता तुम हाँ ही कहोगे। गलती एजेंट दे, एजेंट ने अपडेट नहीं करे, अपडेट करे होंदा शायद रिफ्यूजल तां भी आ जाती, बट वह कलाइंट की गलती होंगी ना कि एजेंट की। ये समझो रिफ्यूजल की गलती की दी है, मेरे तो गलती है तो उसको मैं इंप्रूव करदा, अगर एजेंट तो गलती है तो एजेंट तो भरपाई करवाओ, गल खत्म। ठंडे सुभाव देने, ठंडे सुभाव नाल रह के फर्क नहीं पैना है। हाँ जी, अज पता नहीं कैमरे नूं की प्रॉब्लम हो रही है, दो दिन वारी बंद हो गया, सो सॉरी फॉर दैट। सो आप कितने सीगे, हाँ जी उस तो बाद रिफ्यूजल तो बाद रिफ्यूजल का कारण की सी, पहली का पीटीई का बैरियर सीगा, समझ गए होंगे ना थोनू पता है। उस तो बाद बच्चे ने की करना सीगा, नॉर्मल जी गल है, रिफ्यूजल आ गई अपन, वीज़ा ऑफिसर तो कहता मैं वीज़ा दे दूँगा थोड़ा, जी प्रॉब्लम आई है इस प्रॉब्लम सॉल्व करो एंड दैन टेक वीज़ा, बशर्ते थोड़े डॉक्यूमेंट सारे सही हो, ठीक है जी। सो इन्होंने की कर बच्चे ने आइल्स करने की बजाय एक मंथ वेट करके, एक मंथ बच्चे ने आइल्स नहीं की, एक मंथ बाद बच्चा चंडीगढ़ चला गया नायगरा कॉलेज लई जनरल बिजनेस प्रोग्राम च। चंडीगढ़ जिदे को गया छड़ो, नहीं नाम लेना किसी का आप, ठीक है। उस तो बाद की होया, सो उन्होंने भी नहीं दस्या है कि थोड़ा पीटी का रीज़न है जी, सो तुसी आइल्स कर लो, पीटी की तो दिक्कत आ रही है, बैसी करिए भी पीटी करके वीज़ा नहीं देना, यह तो फिर तुक्के वाला काम होगा जी। अच्छा बैसी करिए पीटी करके नहीं वीज़ा आना, असं लावे जी, असं बाकी बहुत लेने बहुत लेने। सो सारे की प्रोफाइल तो हरेक की प्रोफाइल अलग अलग है जी, हरेक का सिस्टम अलग अलग है, हरेक की स्टडी अलग अलग है, हरेक की परसेंटेज कोर्स सारा कुछ हरेक का अलग अलग है। सो एक यूनीकनेस ना लैके जाया करो भी सारे ही इको ने, जे वह आ गया वीज़ा साडा भी आजगा, जरूरी नहीं होंगे। अगर थोड़ी प्रोफाइल अच्छी है डेफिनेटली वीज़ा आऊगा, अगर थोड़ी प्रोफाइल अच्छी नहीं हैगी तो तुक्के वाला काम है, तो रिफ्यूजल होगी, ठीक है। उस तो बाद की होया, दो बारी रिफ्यूजल तो बाद बच्चे ने की करे, उस दूजा रीज़न सीगा यू विल नॉट लीव कैनेडा, उन्होंने पता ही लग गया पीटी असी दस रहे हैं जी भी पीटी तुसी ठीक नहीं की, ठीक है पीटी कर ठीक ही करनी सी अपडेट, कहते सर मैं दोबारे अपडेट करके लगाता। बेटा जो पीटी थोनू दस ही दिता उन्होंने भी पीटी का बैरीयर है लैंगुएज करके, तुसी पीटी अपडेट करने का कोई फायदा नहीं सीगा, वो तो जो उन्होंने पहला अपडेट करना सीगा तुहाडे एजेंट ने तो भी थोनू रिफ्यूजल ही आनी सी, चांसिस काफ़ी ज़्यादा हाई सके। तुसी आइल्स करनी सी, सर मैनू किसी ने गाइड नहीं किया, गाइड थोड़े एजेंट ने किवें करना सी, हुण तां 2-3 लाख रुपए ले लिया, हुण तां जान छड़ाई होनी भी, इहो जिहे गाहक 4-5 मिल जाण महीने च, 10-15 लख आ गया, ठीक है। होर इन्हों का काम की है, जेड़े बंदे ने थोड़ा पीटी अपडेट नहीं करे उन्होंने थोड़ा क्यों दसना है, भी राजे तुम दोबारा तुम जो कोई चीज़ कर रहे हो तो तुम आइल्स करो, नहीं सर कहते मैंने नहीं दसाया, तुम फिर आप खुद स्टडी करनी सी, किसी तो सलाह लेनी सी, जरूरी तो नहीं भी मार्केट जिन्ने बंद ने सारे चोर ने ईमानदार भी बैठे ने, वो हम थोड़े तय कि हाउ यू अप्रोच दैम,
राइट। उस तो बाद इन्होंने की करे दूजे तो बाद जो चीज़ इन्होंने पहले रिफ्यूजल तो बाद करनी सी जो हुण तुसीं समझ गए, इन्होंने दूजी रिफ्यूजल तो बाद कहिंदे मैं आपदे फ्रेंड ब्रदर होणगे फ्रेंड होणगे इन्हां दे दो सारे भाई हुंदे ने उन्हां नूं कह के कहिंदा मैं केप्स नूं अप्लाई कराया। क्यों तुसीं पहली बार च क्यों नहीं केप्स नूं अप्लाई कराया जी, दूजी बार च क्यों अप्लाई कराया? जदों तुहानूं पहली बार पता लगा कि पीटी इज़ द रीज़न, उहनूं क्लीयर करो, आइल्स करो, वीज़ा लो, क्यों टाइम ते पैसा तां तुहाडा पहले ही खराब हो गया, हुण तुहाडा समां वी बर्बाद करा, समां वी तुसीं बर्बाद कर रहे हो। ठीक है, पैसा खराब होगा पैसे दा कोई गल नहीं, पैसे नाल समां नहीं खरीदा जाणा। जे समां तुहाडे कोल समां होण दे नाल तुसीं पैसा तां कमा सकदे हो, बहुत कमा सकदे हो ना। सो समां ना बर्बाद करो। इट डजंट मीन कि तुसीं पैसे सिटी चलो, वो सिचुएशन चीज़ वेरी करती है। सो मैं यही गल कहना, समाज बदल रहा है, तुसीं भी बदलो। तुसीं अपनी प्रोफाइल खुद पहला असैस करो, जिते तुसीं स्टडी करन जा रहे हो स्टडी तुहानूं नॉलेज होनी चाहिए भी आह साडा कोर्स है, आह परसेंटेज साडा, ये नहीं जाना। मैं ये चाहुंदा भी जदों तुसीं किसी एजेंट कोल फाइल लाउणी है तुसीं ये चीज़ कहो भी सर हेयर्स माई प्रोफाइल, रिक्वायरमेंट मेरी पूरी है। रिक्वायरमेंट पूरी करके ही जाओ तुसीं। अज चाहे जिन्ने मर्जी बार कैमरा बंद हो जाए, चाहे 50 बार बंद हो जाए, आप वीडियो बना के हटेंगे, चाहे कुछ हो जाए, ये भी इम्तिहान होंगे ने। रूटीन लाइफ बहुत इम्तिहान चलते हैं, जिदा ही चल रहा है, कोई गल नहीं। 8 भी बज गए, घरों फोन भी आ रहे हैं, कोई गल नहीं। आप पहला ये केस डिस्कस जरूर करांगे पूरा। सो उस तो बाद होया सी, आप कित्थे सी, मैनू नहीं पता वो चीज़ वीडियो मतलब कैमरे च रिकॉर्ड होगी, अगर होगी तो वीडियो अगर रिपीट हो रही तो अगे कर लियो। सो चंडीगढ़ अप्लाई करन तो बाद जो उन्होंने रिफ्यूजल आई है, फिर उन्होंने केप्स नोड अप्लाई करे, कहिंदे जी मैं अपने ब्रदर तो या मेरा कोई फ्रेंड है उस तो मैं केप्स नोड अप्लाई करवाई। मैं कहा बेटा जी जिहड़ी चीज़ तुसीं पहली बार जो तुहानूं रिफ्यूजल आई है उदों तुसीं केप्स नोड अप्लाई करने सीगे ते हुण क्यों? कहिंदे सर मैनूं लग रहा सी वी केप्स नोड अप्लाई करने चाहिए ने। मैं कहा पुत जी पहली बार ही करनी चाहिए सी, पहली गल तो एजेंट तुसीं गलत चुन लिया, चलो हो गया हवा गया। उस तो बाद तुसीं रिफ्यूजल तुहाडी आ गई, तुसीं केप्स नोट तो अप्लाई करनी सी उदों। हुण कहिंदा सर हुण मैं की करा? मैं कहा बेटा अंबैसी ने एक बार कहता, दोबारे फिर कहता, केप्स नोट च भी उही रीज़न आ गया, यू विल नॉट लीव कैनेडा। उन्होंने कहना पीटी तो इन्हां तो पीटी नाल नहीं सैटिस्फाई हो, लैंग्वेज बैरीयर है। कहिंदे सर फिर, मैं कहा जां तां आइल्स कर लो जां इदां ही तुक्के लई चलो। कहिंदे सर हुण तुक्का नहीं लाउणा। मैं कहा बेटा फिर आइल्स कर लो। सो उन्होंने कहा भी सर भी मैं तुहाडे कोल आइल्स करनी, उन्होंने वीडियोज़ देखे ने, तुसीं भी चैनल उपर वीडियोज़ देख लो, इंस्टाग्राम ते पाई होए ने इत्थे भी। सो मैं कहा तुसीं उत्थे किते कर लो। कहिंदे सर मैनूं रीडिंग 'च दिक्कत है क्योंकि मैं किसी होर दी रिस्पोंसिबिलिटी नहीं लै सकदा, कोचिंग सेंटर होर बहुत ने, बहुत वधिया तैयारी कराउंदे ने। तो मैनूं कहिंदे सर तुसीं किहनूं मतलब रिकमेंड करोगे? मैं कहा जगह का कोई दिक्कत तो नहीं दूर आने की। कहना सर मैं पीजी भी रह लूँगा। मैं कहा बेटा इन्नी जिम्मे तुम हम तकलीफ लैके इन्नी दूर इतने आगे पी च रहोंगे, घरों दूर इतने पढ़ोंगे भी, आइल्स थोड़ी क्लीयर होगी वाहेगुरू करके। असी बहुत बहुत मेहनत कराने असी बच्चे तो, बच्चा डेडिकेटेड हो गए। हर वीडियो मैं यही गल कहना, आ मेरा परसों रिजल्ट देख लो। कहते सर मैंने रीडिंग दिक्कत आ रही है, 5 बैंड नहीं आने। मैं कहा मनप्रीत रिजल्ट आया परसों। सो वो कहते सर मेरे तो 6 बैंड आ जाए, आइल्स बहुत है। कहता स्पीकिंग मैंने स्पीकिंग दिक्कत है। तो गल तो हूँ मैं पूछया, मैं कहा बेटा की सोचा सी? कहना सर जिहड़ी तुसीं चीज़ कही सी ना भी खिच के रखियो कम, तो टीचर्स ने इन्नी ज़्यादा मेहनत करी बच्चे तो, बच्चा इन्ना ज़्यादा खुश होया कल, तो उहदे ना पैर नहीं लग रहे सी, उहदे चेहरे ते मुस्कुराहट सीगी। मैं कहा बेटा पहला 2-3 बार नहीं हुई? कहिंदे सर हुण। मैं कहा जिहड़ी हुण हुई आइल्स ना इस मैं की फर्क है? कहिंदा सर हुण ज़्यादा कुछ ही है। मैं कहा वाहिगुरू परखदा है बंदे नूं, मैं कहा बहुत कुछ दिंदा हुंदा, पहले इम्तिहान प्रकृति लैंदी है, वाहिगुरू देखदा भी मैनूं बहुत कुछ दूंगा, देखांदा सही खड़दा कि डोलदा, जिदा डोल गया तैनूं बहुत कुछ देना सीगा, तू तो पहली डोल गया। मैं कहा तू डोलिया नहीं। सो अगर मैं थोनू भी यही गल कहना, अगर तुसीं पीटी दा दिक्कत आ थोनू जां रीडिंग जां राइटिंग करके दिक्कत आ, तां तुसीं जिथे भी हैगे हो तुसीं उत्थे आइल्स करो, आइल्स करो। अगर तुहानूं फिर भी कोई दिक्कत आउंदी है वी सर रीडिंग जां राइटिंग तुहानूं क्लीयर नहीं कट हो रहा, तां यूट्यूब ते वीडियोज़ देख सकदे हो, मेरे चैनल उपर देख सकदे हो, मैं बहुत वधिया तरीके नाल ट्रिक्स तुहानूं समझाईआं होईआं ने। अगर फिर भी चीज़ ना समझ लगे, अगर ऑनलाइन तुसीं नहीं समझ सकते क्योंकि असीं ऑनलाइन प्रोवाइड नहीं करवा रहे, तां घर एक बार कह के आ जाओ भी मैं 2 महीने की छुट्टी लैके चलिया तो मैं जिंदगी बनाउण चलिया। डेडिकेटेड हो, पैशनेट हो, तां ही आयो साडे कोल, असीं बहुत मेहनत कराउंदे आ। बच्चे नूं पता भी नहीं लगता भी इन्नी मेहनत मैं थोगी, रिजल्ट ते पता लगता यार मेरे इन्ने आ गए, यही साडा गोल है। आ जाओ फिर थोड़ा वधिया आइल्स बैंड स्कोर आऊगा। सो वो बच्चा भी आ रहा है, सो तां ही मैं कहा भी वो हुण क्लाइंट सीगा पहला ते हुण मेरा स्टूडेंट बन गया। सो यही चीज़ मैं कह रहा, मैं नहीं चाहुंदा कि थोनूं आइल्स करके दिक्कत है भी थोनूं दिक्कत का सामना करना चाहिए। ठीक है, सो मैं कह रहा अगर थोड़ा लैंगुएज बैरियर आ रहा है पीटी करके तुक्के ना लाओ, तुसीं आइल्स पहले दिन तो ही कर लो। नाले बच्चे ने पैसा खराब कराया हुण आया ना, सो हुण जे इत्थे आऊगा तां इत्थों ना उम्मीद मैं नहीं होण दूंगा। वाहिगुरू की कृपा करके मैं चाहुंदा